हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक साथियों का हमारे इस न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो भी हमें छोटी बड़ी खबर मिलती है आप तक लेकर आते हैं। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं दोस्तों, उसमें जो जानकारी दी गई है वो ये दी गई है कि सभी सोसाइटियों के साथ सरकारी विभागों की मिलीभगत के कारण ये इतने बड़े गोरख धंधे किए गए। और दोस्तों, जानकारी में ये भी बताया गया है कि जब इनकी जांच होती है और जब ये जांच की प्रक्रिया में आ जाती हैं कंपनियां, तो दोस्तों इनके साथ जो सरकारी विभागों की मिलीभगत होती है उनके सीनियर ऑफिसर बच जाते हैं और गाज गिरती है केवल इन सोसाइटियों वालों पर, जो इनके कहने भर पर सरकारी अफसरों के कहने भर पर इन्हें ये कुछ गलत नीतियाँ चलनी पड़ जाती हैं या मजबूरी होती है, वो ये जानते होंगे। तो दोस्तों, सरकारी विभाग तो बच जाता है लेकिन गाज गिरती है सोसाइटी के प्रबंधकों पर, जबकि सोसाइटियों पर 20-20 30-30 साल पुराने रजिस्ट्रेशन होते हैं, सभी कार्य सब कुछ सुचारू रूप से चलते हुए यहाँ पर दिखाए जाते हैं। और अब जो हमें ये 20 और 30 साल के बाद सोसाइटियों पर जाँच दिखाई जाती है और उसके आधार पर जो हमारे पास न्यूज़ आती हैं उससे ऐसा लगता है कि सब कुछ कसूरवार केवल सोसाइटी वाले होते हैं, ये सरकारी विभागों के जो ये अपने आप को सरकारी शहजादा समझते हैं या क्या समझते हैं दोस्तों, ये बच जाते हैं। ये एक तरफा एक ऐसी जांच होती है जिसमें सरकारी विभागों को बचा दिया जाता है और निवेशकों के साथ साथ कंपनी के भविष्य को और कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी और जितने भी इसके बैंक खाते हैं सबको सीज करके और इनके प्रमोटरों और इनके सभी संचालकों को जेलों में डाल दिया जाता है। दोस्तों, ये बड़ी विडंबना की बात है। इसमें जो भी खबर हमारे पास आपके पास आती है उसका हम भी थोड़ा बहुत विश्लेषण करते हैं और उससे यही पता चलता है कि क्या सरकारी विभागों के लिए कोई सज़ा नहीं है। सारी सज़ा इन चिटफंड या इन सोसाइटियों को जिनको इन्होंने लाइसेंस दिए उनके ऊपर, सारी जितने भी क्लेम हैं सब इनके ऊपर लगा दिए जाते हैं, जबकि सरकारी विभाग की इसमें बराबर की हिस्सेदारी होती है। तो दोस्तों, जो हम आपको न्यूज़ देने जा रहे हैं उसकी बड़ी बात यह है कि लोगों का धन लगा आयकर विभाग रेट पर भी नहीं हुई कार्रवाई, सहकारिता विभाग आंखें मूंदे बैठा है, कुछ ऐसा यहाँ पर हेडिंग है। राजस्थान में 16,000 करोड़ का फाइनेंसर फ्रॉड हो जाए तो सवाल उठता है, लाजिम है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों को ठग रही थी, तब सरकारी मशीनरी क्या कर रही थी? इन सोसाइटियों की मॉनिटरिंग करने वाली सहकारिता विभाग से ने क्यों कुछ नहीं किया? आम आदमी 1 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर नज़र रखने वाले आयकर विभाग 2-2 करोड़ ट्रांजैक्शन क्यों नहीं देखे? सवालों के जवाब स्पष्ट है, सरकारी विभागों की मिलीभगत के बिना ऐसा घोटाला होना संभव नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर जो भी हमने आपके लिए ये न्यूज़ दी इसमें साफ तौर से यही बताया गया है कि सरकारी विभागों के बिना ये संभव नहीं था। SOG की चार्जशीट में इन विभागों के अधिकारियों का जिक्र तो नहीं है, मगर संकेत जरूर है कि इन सोसाइटियों के कई रसूखदारों का काला धन लगाया गया। दोस्तों, यहाँ पर अधिकारियों ने भी अपना जो रिश्वत का पैसा था यहाँ पर छुपा रखा था। सोसाइटियों में कुछ ऐसे भी सबूत यहाँ मिले हैं, संकेत मिले हैं, लेकिन दोस्तों कार्रवाई कुछ नहीं है। केवल यहाँ पर हम लोगों को सच्चाई बता दी जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आगे खबर है कि सोसाइटियों के पैड बनाई हुई थी। जी हाँ दोस्तों, सरकारी विभाग में इन सोसाइटियों पर पैड बनाई हुई थी। जब फर्जीवाड़ा खुलने लगता है तो रसूखदार पोल खुलने के डर से खामोश रहते हैं और गरीबों की आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। यह बड़ा सवाल दोस्तों, इस वक्त भारत सरकार दोधारी बंदूक हो रही है, दोधारी तलवार हो रही है। दोस्तों, प्रमोटरों और निवेशकों को तो इसने बर्बाद कर दिया और कंपनी के संचालकों को तो पूरे तरीके से इन्होंने बर्बाद कर दिया, लेकिन अपने शहजादे गुलफामों को बचा कर रखती है। जो सरकारी विभाग के शहजादे हैं उनको बचा कर रखती है और साफ तौर से हमें यहाँ पर ये जाहिर हो चुका है कि ये बहुत बड़ी धांधलेबाजी निवेशकों के साथ ही नहीं, भारत सरकार की इस नीति में हमारे देश की इकोनॉमी का जो नीचे गिरती जा रही है, हमारी सरकार का जो ग्राफ नीचे गिर गया 70% से आज 20-15 तक आ चुका है। दोस्तों, ये सब घुमा दिया गया है और कौन है घुमाने वाला, सब राजनीति की षड्यंत्र चल रहा है। दोस्तों, न जाने किस तरीके से आज गरीब निवेशकों का पैसा यहाँ पर इन कंपनियों के मैटर में फंसा हुआ है। दोस्तों, एक कंपनी की बात हो तो
अलग बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ तो 30,000 से ज़्यादा ऐसी कंपनियों के ऊपर गाज गिराई गई जिन पर सब पर दोस्तों गलत तरीके से अवैध धन एकत्रित करने के ठप्पे लगे हुए हैं, चाहे उसमें सोसाइटियाँ हों या आपकी फ्यूचर मैकर और न जाने कितनी ऐसी कंपनियां जो भारत सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड थी, जिनके एक निवेशक 5-5 करोड़ से ज़्यादा, जिनका पैसा जी हाँ दोस्तों 49,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा। बहुत सी कंपनियों ऐसी हैं दोस्तों जिनके 15 करोड़ निवेशक टोटल मिलाकर आज बर्बादी के कगार पर हैं। दोस्तों ये बड़ी न्यूज़ आपको एस टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है और आपको सचेत किया जा रहा है कि इस वक्त जो भारत सरकार की नीतियां चल रही हैं उसमें निवेशकों को दबाया जा रहा है दोस्तों। और कोई हमारे पास न्यूज़ आएगी हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। ये न्यूज़ हम पहले भी दे चुके थे लेकिन ये आपको इसलिए लेकर आए क्योंकि यहाँ पर इनकी सरकारी विभागों की पोल खुलती है और पोल